नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक बन रही फोरलेन सड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जयराम ठाकुर ने आज इस सड़क पर हनौगी से जलौगी तक बनी 5 सुरंगों का अवलोकन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन सड़क के बन जाने से न केवल सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ होगा बल्कि पर्यटन कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे और स्थानीय लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। टनल बन करके तैयार हुई है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा आकर्षण टूरिस्ट के लिए भी बना है। ये बहुत बड़ी एक देन है हमारी केंद्र सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल प्रदेश के लिए, जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कनेक्टिविटी का रहता था। सुंदर है प्रदेश, पर्यटन बहुत पूरे देश दुनिया से देखने के लिए आना चाहते हैं और ये फोर लेन बनने के पश्चात यहाँ के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आया है, लोगों के जीवन में भी और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा अंतर आया है। मैंने आग्रह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत बड़ा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए होगा। यहाँ के जीवन को कितना सरल बनाने में सफलता हासिल की है इन टनल ने, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इन सुरंगों को हाल ही में ट्रायल के आधार पर यातायात के लिए खोला गया है। जयराम ठाकुर ने इस दौरान सुरंगों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और इनकी देखरेख कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से भी बातचीत की।